अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपने तो ये सुना होगा कि अपने और पराये के दरमियान में फर्क अगर कोई चीज बता सकती है तो वो आपकी किस्मत होती है, क्योंकि कामयाब और खुशहाल इंसान की तारीफ करने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं पाई जाती। लेकिन जब आपकी किस्मत की करवट बदल जाती है तो यही लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें बहुत से रेस्टोरेंट ओनर्स जब गरीब बनकर मांगने अपने उसी रेस्टोरेंट में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो सब आज आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी इंसानियत पर शर्मिंदा करेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, इस चीज को जानने के लिए आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते आज की अमेजिंग सफर को। ये कहानी है डॉन मॉन्ट्रियल की, जिनके स्पेन में बहुत से लग्जरी रेस्टोरेंट भी मौजूद थे और इन्होंने ये सब रेस्टोरेंट बहुत ही मेहनत से बनाए थे। लेकिन अचानक से ही उनकी जिंदगी में एक तूफान आ गया और इनको पता चला कि ये कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं, जो कि लास्ट स्टेज पर है, यानी कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तब से इन्होंने ये फैसला किया था कि इनकी बाकी की जिंदगी जो है ये जरूरतमंदों की मदद करके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो दुनिया से जाएं तो इनको कोई याद करने वाला हो। डॉन मॉन्ट्रियल शुरू से ही बहुत रहमदिल इंसान थे और हमेशा से ही किसी न किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। और अब तो बीमारी के बाद ये और ही पैशनेट हो गए थे। जो कोई भी जरूरतमंद इनको नजर आता वो उसकी मदद करने में हर मुमकिन कोशिश करते थे। इसलिए एक दफा इन्होंने एक भिखारी के रूप में आकर अपने सभी रेस्टोरेंट में जाने का सोचा, ताकि वो ये देख सकें कि इनके रेस्टोरेंट में इनके वर्कर जरूरतमंद लोगों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। जब ये अपने पहले रेस्टोरेंट में गए तब वहाँ मौजूद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इनके साथ जिस तरह का सलूक किया वो सब कुछ देखने के बाद ये बहुत ही परेशान हो गए। डॉन मॉन्ट्रियल सबसे पहले अपने उस रेस्टोरेंट में गए जो बहुत ही फेमस था और बाहर से आने वाले सभी टूरिस्ट इस रेस्टोरेंट में एक बार जरूर खाना खा के जाते थे। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही इनकी सबसे पहली मुलाकात वॉचमैन से हुई, उसने इनको बाहर से जाने का कह दिया। लेकिन फिर जब इन्होंने वॉचमैन को बताया कि वो बहुत दिनों से भूखे हैं, तो उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने भिखारी का खुलिया देख के इसको रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने से भी मना कर दिया। मैनेजर ने इसके साथ इतनी बदतमीजी की कि उन्होंने तो ये कभी तवक्को की ही नहीं थी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाएगा। जबकि मैनेजर को ये बता रहे थे कि ये बहुत से दिनों से भूखे हैं, इसलिए कुछ तो खाने को दे दिया जाए। लेकिन मैनेजर ने इनकी बात नहीं सुनी, उनको कहा कि जाओ पहले घर जाके नहाओ और साफ सुथरे बन के रहो, फिर तुम्हें रेस्टोरेंट में आने की इजाजत दी जाएगी, मगर तब भी तुम खा नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाओ। इस बात को सुनकर डॉन मॉन्ट्रियल के पांव तले जमीन ही जैसे फट गई हो, क्योंकि इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि इनको इतना कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज को यही सिखाया था कि कैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। लेकिन आज उनको ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। इन सब के बावजूद भी इन्होंने रेस्टोरेंट से बाहर कुछ देर के लिए इंतजार भी किया कि शायद कोई आकर इनको खाना दे जाएगा, मगर किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ये तो खुद जरूरतमंदों की मदद करने का सोच रहे थे, मगर जहाँ तो खुद इन होटल्स के एम्प्लॉयज ही इस तरह के लोगों से बहुत बुरी तरह पेश आ रहे थे। इस चीज को जहन में रखते हुए इनके आंखों में आंसू बहने लगे और ये नाउमीद होकर अपने दूसरे रेस्टोरेंट में गए जो कि एक लग्जरी पार्क में बना हुआ था। और इन्होंने जैसे रेस्टोरेंट में कदम रखा तो वेटर ने फॉरेन ही मैनेजर को बुलाया और इसको भी डॉन मॉन्ट्रियल ने यही बताया कि वो बहुत ही भूखे हैं, इसलिए कुछ खाने को दे दिया जाए। लेकिन जहाँ भी मैनेजर ने इनको डांट दिया और कहा कि तुम तो यहाँ की कोई सस्ती चीज भी खरीदने के काबिल नहीं हो, जाओ अपने किसी रिलेटेड जगह से जाकर खाना मांगो। कुछ देर तक वो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े रहे और इसी दौरान वहाँ का शेफ आकर इनको कहता है कि वो कुछ देर रुक जाए, जब सारे चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कल का खाना दे जाऊंगा और वो खाना तुम्हारी जिंदगी का बहुत ही मजेदार खाना होगा। खाना बनाने वाले इस शेफ की बात को सुनकर डॉन मॉन्ट्रियल ये समझ गए थे कि वहाँ भी जरूरतमंद की इज्जत करने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद डॉन मॉन्ट्रियल अपने अगले रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर जो इनको सुनने को मिला वो तो सबसे दर्दनाक था। ये रेस्टोरेंट इनका सबसे पुराना रेस्टोरेंट था, इसी से इन्होंने अपने करियर का आगाज भी किया था और इसको संभालने वाला इनका अपना ही असिस्टेंट था। जब वो इस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ का मैनेजर रुजियो आया। जब इन्होंने उसको यही कहा कि वो बहुत दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दिया जाए, तो मैनेजर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ, चले जाओ वहाँ से वरना मुझे सिक्योरिटी को बनाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कुछ बचा हुआ ही खाना दे दो, मैं उसको ही खाकर खुश हो जाऊंगा क्योंकि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। पर
इस पर ऋषियों ने कहा कि तुम जिस तरह नजर आओगे लोग तुम्हें वैसे ही ट्रेड करेंगे। मैंने इस रेस्टोरेंट की चेन को खड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत की है, अगर मैं ना होता तो ये रेस्टोरेंट की चेन भी ना होती, क्योंकि इसका मालिक तो लोगों की मदद करते करते कंगाल हो गया। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि कभी इस रेस्टोरेंट का मालिक मर जाए और ये पूरा बिजनेस मेरा हो जाए। इस वर्कर को तो डॉन मोंट्रियल अपना छोटा भाई मानते थे, वही इसके बारे में इस तरह का ख्याल रखता था। इन सब बातों को सुनकर वो बहुत ही अफसरदा हुए और ये सोचने लगे कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि मेरे ही लोग मेरी सिखाई हुई चीजों को बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हैं। मैंने तो हमेशा से ही लोगों की मदद करने का सिखाया है, मगर जहाँ तो कोई भी इस बात को अमल नहीं कर रहा। इसलिए वो अपने जितने भी रेस्टोरेंट में गए वहाँ पर खूब इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अब इनका एक ही रेस्टोरेंट बाकी रह गया था जहाँ ये नहीं गए थे। उनको उम्मीद थी कि वहाँ भी इनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जो भाई जैसा दोस्त इनकी पीठ पर छुरा घूम सकता है तो अब कौन है जो इनकी मदद करेगा। इनका ये आखिरी रेस्टोरेंट शहर के बिल्कुल एंड पर था और बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद था और इस रेस्टोरेंट में लोगों का बहुत ही रश हुआ करता था। जब ये अपने रेस्टोरेंट में जाते थे तो भिखारी को देखकर वॉचमैन रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाता है और जब मैनेजर ने बुलाना स्टार्ट किया तो डॉन मोंट्रियल के चेहरे पर बहुत ही सुकून आ गया, क्योंकि इस मैनेजर ने इससे बहुत ही प्यार से बात की और कहा कि आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जैसे ही कोई सीट खाली होती है हम आपको फौरन ही बुला लेंगे। इस बात को सुनकर उनको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये इसी बात से खुश हो रहे थे कि इस मैनेजर ने इसकी इंसल्ट नहीं की थी। और तब ये और भी हैरान हो गए थे कि इनको लेने के लिए रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद आया। वो इनको ऐसे टेबल पर लेके गया जहाँ पर खाने की तमाम चीजें मौजूद थी। जब वो टेबल पर बैठकर खाने लगे तो इस रेस्टोरेंट का मैनेजर आया जिसका नाम मेंचियो था और उस मैनेजर ने इनको अपनी कहानी बताने लगा कि कैसे वो एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। इनकी बीवी की डेथ भी हो गई थी शादी के 2 महीने बाद ही और डेथ के बाद ये खूब ड्रिंक लेने लगे। इनकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं थी और तब मैनेजर ने बताया कि वो एक दिन इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने के लिए आए थे। तब डॉन मोंट्रियल ने इनको खाना भी दिया था और अगले दिन इसी रेस्टोरेंट में उन्होंने अपनी नौकरी पर भी रख लिया था और आज वो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। और ये सब कुछ बताने के बावजूद भी मैनेजर को अभी तक ये पता नहीं चला था कि वो जिसको भिखारी समझकर अपनी कहानी बता रहे हैं वो असल में भिखारी नहीं है बल्कि वही इसी रेस्टोरेंट के मालिक है। लेकिन डॉन मोंट्रियल इन सब चीजों को देखकर खुश हो गए थे और उन्होंने अगले ही दिन जितने भी रेस्टोरेंट थे सबके स्टाफ मेंबर के साथ एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि कल के भिखारी के हुलिया के बारे में, जिसको सुनकर सभी स्टाफ मेंबर खूब शर्मिंदा हुए क्योंकि इनके सामने ही इन्होंने अपना भिखारी वाला मेकअप उतार दिया था। और सबको ये बताया कि आज मैं आप सबको नौकरी से निकालता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में लोगों की दुआएं ही लेके मरना चाहता हूँ, और अगर मेरे रेस्टोरेंट में जरूरतमंदों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाएगा तो मैं कैसे खुश रह सकूंगा। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसको सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई हमारे माशरे में गरीब के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है, जरूरतमंदों को धक्के देकर निकाला जाता है। बहुत ही कम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो एहसास करते हैं दूसरों का। शायद हम इंसान तो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। इसलिए दोस्तों इस छोटी सी बात के साथ आज की ये वीडियो खत्म करते हैं कि खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह आपके पास भी खुशियाँ ही चल के आएंगी। लोगों के दर्द में शामिल होना सीखें क्योंकि कल को हमारे भी दर्द में कोई शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।